हेलो गाइस वेलकम टू यूट्यूब चैनल प्रदीप दिस इज उपासना सिंह और हम अपने जावा की प्लेलिस्ट में ऑपरेटर्स का टॉपिक स्टडी कर रहे थे जिसमें हमने लास्ट वीडियो में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में जाना था और हम अपने इस वीडियो में असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे लाइक असाइनमेंट ऑपरेटर्स पे कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं ऑपरेटर इसलिए यूज होता है ताकि हम अपने वैल्यूज को एक वेरिएबल से किसी और वेरिएबल में असाइन कर सके सो so, हमारे पास सिक्स टाइप्स के असाइनमेंट ऑपरेटर्स यहाँ पे यूज होते हैं सो so, आइए चल के देखते हैं प्रैक्टिकली हम इन सभी ऑपरेटर्स को कैसे यूज करते हैं तो so, उसके लिए हमने पहले एक नई क्लास क्रिएट कर लेते हैं अब फर्स्टली हम अपने असाइनमेंट uh, ऑपरेटर जो हम समझेंगे वो है सिंगल इक्वल टू सो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सिंगल इक्वल टू का यूज़ करके एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में स्टोर कराई है मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया था प्रिमिटिव डेटा टाइप ए नू ए नाम का और जिसमें मैंने वैल्यू स्टोर करी थी फोर्टी और फिर मैंने दूसरा वेरिएबल क्रिएट किया बी नाम का जिसमें मैंने कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं करी फिर यहाँ बी में मैंने अपनी वैल्यू को असाइन करा दिया ए वाली वैल्यू को बी ये हमारी वैल्यू जिसमें कोई वैल्यू नहीं थी असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू को बी में असाइन किया और फिर मैंने जब बी को प्रिंट कराया तो आप देख सकते हैं हमारी जो ए की वैल्यू थी वो बी में असाइन हो चुकी है सो दिस इज़ हाउ हम अपने सिंगल इक्वल ऑपरेटर का यूज़ करके अपनी वैल्यू को एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में असाइन करते हैं सो गाइस नेक्स्ट ऑपरेटर जिसके बारे में हम जानने वाले हैं वो प्लस इक्वल टू है एंड इसका यूज़ हम इस तरीके से करते हैं ओके okay. तो जैसा कि आपने देखा कि पहले मैंने अपने ए की वैल्यू में फोर्टी स्टोर करवाया था मतलब ए की वैल्यू में सिर्फ फोर्टी था फिर मैंने अपने प्लस इक्वल टू को ऑपरेटर का यूज़ करके इसमें पहले मैंने ए में फाइव को ऐड किया है फिर टोटल वैल्यू जो है वो ए में असाइन कर दी है सो तो प्लस इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ हम लोग इस तरह करते हैं कि पहले वैल्यू ऐड करके फिर उसी उसी वेरिएबल में सेम वैल्यू जितनी भी टोटल हो रही है उसको असाइन कर देते हैं सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ कैसे करते हैं कहाँ करते हैं एंड इसके बाद के जो बाकी सारे हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर हैं जैसे कि माइनस इक्वल टू कॉमा मल्टीप्लाई इक्वल टू कॉमा डिवाइड इक्वल टू आई होप आप इन सबको खुद से करने की कोशिश करेंगे एंड कोई भी डाउट्स आते हैं तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड किसी भी तरह के माइनर या मेजर डाउट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड लिंक पे क्लिक कर सकते हैं एंड हमारी जॉइंट कम्युनिटी को जॉइन करने के लिए आप जॉइन बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं थैंक यू प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल We'll be right <laughs> back.